हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर एंड मिसेस ब्लॉक्स में आपका स्वागत है। आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी फ्रेंड्स। उससे पहले आपको स्वागत करती हूँ, देखिए आज खिले हुए हिबिस्कस का इतना खूबसूरत फ्लावर के साथ। आज येलो हिबिस्कस दो खिला है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा तुरंत आपको दिखा दिया जाए और एक नया कलर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हिबिस्कस आज ही खिले हुए हैं और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अंदर बिल्कुल ऑरेंज है, बाहर के तरफ भी येलो है और काफ़ी तो बार्स आ ही चुका है। और देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत है। और इसके साथ साथ मैंने और दो फूल दिखाना चाहती हूँ जो पहले आज ही स्टार्ट हुआ है खिलना। ये देखिए जिनिया का है और ये है बालसम। ये डबल वेराइटी का बालसम है और इसका कलर फ्रेंड्स अभी वीडियो में सही कलर नहीं आ रहा है, ना ये रेड है, ना ये पिंक है, ना ये मैजेंडा है, तो तीनों कलर कॉम्बिनेशन इसमें है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी का जो वेदर है फ्रेंड्स, गर्मी भी है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है और बादल भी छाए हुए हैं। तो इस टाइप का जो मौसम होता है, इस टाइम हमारे गार्डन में बहुत सारा मच्छर का आना जाना होता है, तरह तरह के कीड़ों का अटैक भी होता है। तो आज का वीडियो में आपको सारे परेशानी दूर हो जाएगा। गार्डन में आज हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स कपूर। कपूर हर घर में पाया जाता है, स्पेशली पूजा घर में तो पाया जाता ही है। तो कपूर पाने के लिए आपको कोई परेशानियां नहीं होगा और इसका यूज़ भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको कपूर का गार्डन में यूज़ करना है। और ऐसे ही आप यूज़ करेंगे इस तरीका को फॉलो करके, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके गार्डन में ज़्यादा मच्छर इंसेक्ट का अटैक होता है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, हर तीसरा दिन इसको यूज़ करना है। जिस प्रोसेस में दिखा रही हूँ आपको, तो इस प्रोसेस में आपको यूज़ करना है। कपूर को जब भी आप गार्डन में आपको यूज़ करना है फ्रेंड्स, शाम के टाइम पे यूज़ करना है, दिन के टाइम पे यूज़ नहीं करना है। तो क्यों शाम को टाइम पे यूज़ करना है, दिन में आपको यूज़ नहीं करना है, वीडियो में आपको सारा चीज़ बताऊंगी फ्रेंड्स। मच्छर के अलावा जो फ्लाइज होता है फ्रेंड्स, और जो क्रॉलिंग इंसेक्ट होता है जो मिट्टी में चल के हमारा पौधा को अटैक कर लेते हैं, इसी टाइप का इंसेक्ट से कपूर हमारा पौधा को सुरक्षा देते हैं। इसको यूज़ करने का सही तरीका आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। कपूर को जब भी आप गार्डन में यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, आपको शाम को टाइम पे यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल्दी हवा में मिल जाता है। और जब आप यूज़ करेंगे प्लांट में, जिस प्लांट में आप यूज़ करेंगे उस प्लांट को पहले पानी देके प्लांट का मिट्टी गीला करके आपको रखना है। पहले आपको क्लियर कर दे तो फ्रेंड्स कि गमले का मिट्टी गीला करके क्यों रखना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो कपूर ऐसे चीज़ है कि बहुत ही जल्दी जल्दी हवा में मिल जाता है। तो जैसे आपका गमले का मिट्टी और कोई पौधा में, जिस पौधा में आप डालेंगे उसका मिट्टी गीला हो जाए और आप कपूर का इस्तेमाल करेंगे, तो मिट्टी क्या करेगा, कपूर को अपने तरफ खींच के रखेगा। इसके बजाय कपूर मिट्टी के साथ चिपक जाएगा और वो जल्दी जल्दी हवा में मिल नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स कपूर को स्प्रिंकल करने के बाद आपको जो मिट्टी आपने हल्का हल्का घुराई करके रखे हो, तो इसके साथ बिल्कुल मिला देना है। तो फ्रेंड्स दोबारा आप देख लीजिए, मैं दोबारा इस प्रोसेस को फॉलो करके आपको दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले हल्का हाथों से मिट्टी को हल्का हल्का लूज करके लेना है, उसके बाद कपूर को स्प्रिंकल करना है और उसके बाद आप मिट्टी के साथ हल्का से मिला देना है। ऐसे आपको नहीं करना है कि फ्रेंड्स आप कपूर को ऊपर स्प्रिंकल कर दिया मिट्टी के ऊपर और ऐसे ही छोड़ दिए हो, तो इस तरह क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कपूर हवा से मिल जाएगा और आप जिस काम के लिए कपूर को यूज़ कर रहे हो तो उसका सही प्रयोग नहीं हो पाएगा। इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो क्योंकि ये कपूर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा आपका गमले में, बहुत ही ज़्यादा दिन क्या, एक दिन तक भी गमले में नहीं रहेगा, बहुत ही जल्दी ये हवा में मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, जैसे आपने कपूर को स्प्रिंकल करके मिट्टी के साथ मिला दिया, उसके बाद आपको बिल्कुल पानी नहीं देना है। मेरा गमले का मिट्टी देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने गमले के पानी दे रखी हूँ कपूर का यूज़ करने से पहले, कि मैं दो दिन तक पानी ना दूँ तब भी चलेगा।
क्योंकि हमने इंसेक्ट और फंगस के लिए कपूर का यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये जो इंसेक्ट और फंगस का शुरुआत होता है मिट्टी का ऊपर का लेयर से ही, तो कपूर का मदद से मिट्टी का ऊपर का लेयर आप इस तरीके से करके रखेंगे। इस तरीके से मैं कहूँगी ट्रीटमेंट करके मिट्टी को रखेंगे तो आपका जो फंगस लगने का बीमारी, इंसेक्ट आने का बीमारी सारा दूर चले जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स कि कितना कपूर आपको यूज़ करना है। देखिए मैं छोटा छोटा जो कैप्सूल के तरह आपको कपूर का आपको दिखाए, मैंने 10 इंच का गमले के लिए सिर्फ दो ही यूज़ करूँगी। दो ही काफ़ी है फ्रेंड्स, एक साथ आप ज़्यादा यूज़ मत करिए। आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो हफ्ता एक हफ्ता बाद दोबारा यूज़ करिए, और प्रॉब्लम कम हो सब मेंटेनेंस के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो आप मंथ में एक बार यूज़ करिए, नहीं तो 15 डेज के बाद एक बार यूज़ करिए। मेरे को कहने का मतलब यही है कि ज़्यादा क्वांटिटी आप एक साथ यूज़ मत करिए, उसको आप दो बार तीन बार में बांट दीजिए। आपका प्लांट में मच्छर चींटियां वगैरह ज़्यादा है फ्रेंड्स कि प्लांट के ऊपर तक चढ़ के जा रहे हैं, कलिया तक पहुंच के जा रहे हैं, तो आप ये काम कर सकते हो फ्रेंड्स, एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा ले सकते हो और उसमें चार पांच कपूर का ऐसे कैप्सूल आप भर के उसको बांध के आपका प्लांट में टांग दीजिए, नहीं तो कहीं पे रख दीजिए प्लांट के साथ, मतलब अटैच करके आपको रखना है। तो कपूर से जो खुशबू आती है, इसमें जो स्मेल आते हैं, तो उससे सारा इंसेक्ट मच्छर दूर ही रहेगा आपका प्लांट। और एक तरीका क्या है फ्रेंड्स, आप जब शाम को टाइम के रात का टाइम काफ़ी मच्छर इंसेक्ट का ज़्यादा अटैक होता है फ्रेंड्स, तो इसी के टाइम ही आपका कपूर का ये उपाय करना है। आप कपूर का धुआं दे सकते हो, तो गार्डन में धुआं दोगे तो हर जगह पे जहाँ जहाँ पे कोने कोने ये छुपा होगा ना, तो सारा यहाँ से चला जाएगा। कोई भी प्लांट के लिए फ्रेंड्स इस तरीका आप अपना सकते हो, इस तरीके से आप कोई भी प्लांट में कपूर का यूज़ कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे ज़्यादातर रोज़ प्लांट में ही करूँगी, क्योंकि रोज़ प्लांट ऐसे एक प्लांट होता है फ्रेंड्स कि तरह तरह के इंसेक्ट पेस्ट इसमें अटैक होता है, हमको कभी कभी खाली आँखों में दिखता भी नहीं है पर इसमें पेस्ट अटैक हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं रोज़ के लिए तरह तरह का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करते रहती हूँ, तो इससे हमारा प्लांट भी अच्छा रहता है। और एक बार कपूर का आप गार्डन में यूज़ करेंगे ना, जो प्लांट में यूज़ करेंगे उसमें तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही, इसके अलावा जिस प्लांट में आप नहीं यूज़ किया है उसका भी आपका फ़ायदा देता है, क्योंकि वो आसपास ही रहते हैं आपका गार्डन में, और कपूर का जो स्मेल है बहुत दूर दूर तक जाता है। तो फ्रेंड्स सॉइल में किस तरीके से आप कपूर को यूज़ करेंगे वो तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। अब चलिए आपको ये भी दिखाती हूँ कि पानी के माध्यम से, स्प्रे के माध्यम से किस तरीके से प्लांट के ऊपर भी आप कपूर को इस्तेमाल कर सकते हो। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स और एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ कि अभी शाम का टाइम है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कपूर का यूज़ आपको शाम के टाइम ही करना है, तो अभी 5 बजे हुआ है और देखिए वेदर थोड़ा क्लाउडी है, और इस रोज़ प्लांट को देखिए नीचे नीचे से कितना ग्रोथ हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो रोज़ के लिए फ्रेंड्स मेरा आने वाला दो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर चेक कर लेना। तो नेक्स्ट एक दो वीडियो के बाद ही मैं रोज़ वीडियो आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से जल्दी जल्दी आप इस मौसम में रोज़ प्लांट में आपको न्यू ब्रांच लेके आना है, तो उसके ऊपर रहेगा मेरा वीडियो, तो आप ज़रूर चेक कर लेना। चलिए फ्रेंड्स अब आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से पानी के साथ मिला के आप कपूर को एज ए स्प्रे हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो कपूर ऐसी एक चीज़ है कि बहुत ही जल्दी पानी के साथ भी मिल जाता है, और मैंने देखिए इसको स्प्रे बोतल को टाइट करके अच्छे से हिला के फिर मैं यूज़ करूँगी। तो कोई भी प्लांट के लिए आप कपूर का इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स, ऐसे कुछ नहीं कि आपको रोज़ में ही करना है, ज़्यादा बीमारी रोज़ में ही आता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं रोज़ ही दिखा रही हूँ। मेरा एक ही साथ आपको दिखा भी हो जाएगा और रोज़ के लिए ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं रोज़ के ऊपर ही अप्लाई कर रही हूँ। और देखिए इस तरीके से पत्ते के ऊपर से आपको अच्छा से स्प्रे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। फूलों में आप स्प्रे कभी नहीं करना, कोई भी स्प्रे आप फूलों में बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ पत्ते पत्ते में करना है, पत्ते के नीचे से करना है, पत्ते के ऊपर से करना है, हल्का मिट्टी में भी आप स्प्रे कर सकते हो, पर अभी तो मैंने जैसे कहा मिट्टी पे बिल्कुल आपको पानी नहीं देना है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे
तो आप चाहो तो पहले ना ये जो स्प्रे वाला काम पहले आप कर लीजिए, उसके बाद मिट्टी में कपूर का डालने का जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाई पहले वो आप करिए। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे देखिए अब मैं मिट्टी में कपूर का काम सारा कर लिया, अब मैं उसमें स्प्रे कर रही हूँ तो वो तो पानी जा ही रहे ना, तो पहले आपको स्प्रे का काम कर लेना है, उसके बाद मिट्टी में कपूर का जो मैंने दिखाई प्रोसेस उसको फॉलो करना है। फ्रेंड्स बारिश के टाइम पे हमारे गार्डन में ज़्यादा ही फंगस अटैक होता है, ज़्यादा ही कीड़े का अटैक होता है। आने वाला मानसून सीजन को याद करते हुए आज का वीडियो बनाई फ्रेंड्स, आप ज़रूर यूज़ करना और रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कर लेना कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो रिलेटेड आपके पास और कोई क्वेरी है और कुछ आप जानना चाहते हो, प्लांट्स रिलेटेड कोई क्वेरी है तो ज़रूर कॉमेंट के द्वारा शेयर कर लेना। तो फ्रेंड्स आज यहाँ तक ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर करना। कोई नया फ्रेंड्स मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।